तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फ्री फायर से जुड़ी एक और अमेजिंग सा वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर का जो लॉबी इमोट होता है, यानी कि जो अराइवल इमोट होता है, उसका मैं आपको टॉप 10 बेस्ट इमोट दिखाने वाला हूं कि फ्री फायर में अभी तक जितने भी अराइवल इमोट आए हैं उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है और कौन सा लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और कौन सा बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ठीक है, तो आज का वीडियो होने वाला है टॉप 10 बेस्ट अराइवल इमोट ऑफ फ्री फायर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिसमें आज मैं आपको बहुत ही खतरनाक अराइवल इमोट दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर टेन पे जो इमोट आती है उसका नाम है टर्नेडो इमोट। ठीक है, और ये इमोट जब भी अराइवल आती है, यानी कि जब भी आप लॉबी पे आओगे, तो एक ऐसा लगेगा जैसे तूफान लेके साथ में आ रहा है, कुछ इस तरह से चक्री जैसा घुमाते हुए दो तूफान आपके सामने नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह का इमोट लोग बहुत ही ज़्यादा अभी के समय पसंद कर रहे हैं, और जिसके पास भी ये इमोट है अराइवल इमोट में, ये इमोट जरूर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये इमोट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है देखने में। हालांकि नंबरिंग पे आप विश्वास मत करना, नंबरिंग में कुछ भी रख दिया हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से नंबरिंग देख लेना, लेकिन मुझे यहाँ पे पर्सनली ये टॉर्नेडो वाला इमोट बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। नंबर नाइन पे जो इमोट आती है उसका नाम है कोबरा इमोट। ठीक है, और फ्री फायर का जो सबसे पहला अराइवल इमोट है ये कोबरा इमोट है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस तरह से बाइक को घुमाते हुए और बहुत ही धुआंधार तरीके से इसको लॉबी में आता है। और सबसे पहले जो अराइवल इमोट आया था वो यही वाला इमोट आया था। और आपने ये इमोट निकाली थी क्या, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि फ्री फायर का सबसे पहला जो अराइवल इमोट है वो यही कोबरा वाला इमोट है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा धुआंधार लग रही है। नंबर एट पे जो इमोट आती है उसका नाम है बुया इमोट। ठीक है, फ्री फायर में जो बुया डे आया था ना, उसी समय यहाँ पे हमें एक राइवल इमोट देखने को मिला था, जो यहाँ पे हमें फेडेड व्हील के इवेंट में देखने को मिला था। ठीक है, और जब भी यहाँ पे आप लॉबी पे आओगे तो आपको इस तरह का कुछ अराइवल इमोट देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक स्केलेटन जैसा यहाँ पे उड़ता हुआ कोई पंछी नजर आएगा, आपके यहाँ पे पंख लगा दिया जाएगा, और यहाँ पे आप स्टाइलिश तरीके से आओगे लॉबी में और यहाँ पे सबको चौंका दोगे। ठीक है, तो फ्री फायर में बुया डे के इवेंट में यहाँ पे हमें इस तरह का फेडेड व्हील में एक अराइवल इमोट देखने को मिला था, जो लोग काफी ज्यादा इसको यहाँ पे पसंद कर रहे थे। और आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका जो एनिमेशन वगैरह है और पंख वगैरह है वो काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा मस्त लग रहा है देखने में। ठीक है, आपके पास है क्या इमोट कमेंट में जरूर बताना। नंबर सेवन पे जो इमोट आती है वो है स्लेज गोडी इमोट। ठीक है, गुड्डी इमोट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्लेज गुड्डी इमोट, जहाँ पे आपको दो तरीके का मुंडी कुछ लगेगा और यहाँ पे जो रथ होता है ना, उड़ता हुआ रथ, वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से नजर आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या ही खतरनाक लग रहा है देखने में। और जब यहाँ पे प्लेन पे रहोगे तो कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पे प्लेन के ऊपर, मतलब प्लेन के बाहर आप यहाँ पे उड़ोगे, और यहाँ पे आप अराइवल इमोट भी है खतरनाक था, और उसको यहाँ पे प्लेन में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और एक तरह का स्काई विंग भी है और अराइवल इमोट भी है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है देखने में, आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे। नंबर सिक्स पे जो इमोट आती है, उस इमोट का नाम तो हमें नहीं पता है, अगर आपको पता है तो हमें जरूर बताना, ठीक है, कि इस इमोट का नाम क्या है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बर्फ होता है ना, नीला नीला कलर का, स्काई कलर का है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अराइवल इमोट है। आप देख सकते हो दूर से आता है, यहाँ से कुछ छलांग लगाता है और कुछ इस तरह से उसके सामने एनिमेशन आ जाता है, जैसे लगता है कोई यहाँ पे सुपर पावर हो उसके साथ, इस तरह से उसको यहाँ पे चारों ओर घेरा बन जाता है। ठीक है, तो ये भी अराइवल इमोट लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं अभी के समय, और वन ऑफ द बेस्ट अराइवल इमोट में से एक आप बोल सकते हो। ठीक है, आपके पास है तो मुझे जरूर बताना। नंबर फाइव पे जो इमोट आती है उसका नाम है मैकलेरन इमोट। ठीक है, फ्री फायर में जब मैकलेरन से कोलेब्रेशन हुआ था, उस समय मैकलेरन के रिलेटेड बहुत ही सारा चीज़ें हमें दी गई थी, कुछ फ्री में चीज़ें दी गई थी और कुछ यहाँ पे हमें डायमंड के थ्रू निकालने होते थे। ठीक है, उसी समय यहाँ पे एक न्यू अराइवल इमोट आया था, कुछ इस तरह से गाड़ी लेके एंटर करता था। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सलाम ठोकता है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है देखने में, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरी चारों ओर गाड़ी घुमाता है और इस तरह से यहाँ पे आपको लॉबी में एंट्री देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैकलेरन कार ही है और यहाँ पे इस तरह से एंट्री मारता, जो बहुत ही ज्यादा ओपी लुक लगता है देखने में। जब सामने वाला बंदा आता है तो कुछ इस तरह से एंट्री करता है ना, तो यहाँ पे एकदम प्रो वाला फीलिंग आता है, कुछ इस तरह से एकदम लगता है देखने में। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैकलेरन के इवेंट में हमें देखने को मिला था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे जो इमोट आती है वो यहाँ पे हॉर्स वाला इमोट। ठीक है, फ्री फायर में यहाँ पे एक न्यू अराइवल इमोट हमें देखने को मिला था फेडेड व्हील में, जो कि यहाँ पे घोड़े को इस तरह से दौड़ा दौड़ा के लाता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दूर से आता है और यहाँ पे M1887 का शॉटगन भी दो गोली मारता है,
और यहाँ पे घोड़े को यहाँ पे बाहर फेंक देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी घोड़ा है ना वो यहाँ पे स्काई कलर का है और यहाँ पे आधा अदृश्य है, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो जो कि यहाँ पे वाटर का आप बोल सकते हो, वाटर घोड़े जो होते हैं ना उस तरह का यहाँ पे बहुत ही सारे मूवी में दिखाया जाता है। कुछ वहीं से यहाँ पे इंस्पायर होकर ये अराइवल रिमोट आया था और बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ओपी लगता है देखने में, जहाँ पे दो M1887 का दो गोली चलाते हुए और घोड़े को यहाँ पे दूर से लाते हुए नजर आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा ओपी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक देता है, जिससे कि आप प्रो देखते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे जो इमोट आती है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका इमोट का नाम मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपके पास है तो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूर से एक यहाँ पे होल जैसा रहता है, यहाँ पे वो यहाँ पे उस शक्ति से बाहर निकलते हुए कुछ इस तरह से नजर आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पे जो आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखा होगा वहाँ पे जो बाहर बहुत दूर तक जाता है ना वो घेरा, उस तरह से यहाँ पे घेरे से बाहर आता है और कुछ इस तरह से सर्वबोर्ड से स्लाइड करते हुए लॉबी में एंट्री करता है, जो यहाँ पे बिजली लास्ट में चमकता है और कुछ इस तरह से यहाँ पे आग निकलती हुई नजर आएगी, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे स्टार्टिंग का लॉबी होता है वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इमोट देखने को मिलता होगा। जब आप प्रोफाइल भी खोलोगे वहाँ पर भी यहाँ पे आपको अराइवल इमोट देखने को मिलेगा, और देख सकते हो यहाँ पे इसका फुल इमोट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पे जो इमोट आती है उसका नाम है ड्रैगन इमोट, ठीक है। फ्री फायर में ये इमोट काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला इमोट है और ये एक तरह का स्काई विंग भी है और अराइवल इमोट भी है। जब आप प्रोफाइल खोलोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा और जब यहाँ पे दोस्तों के साथ लॉबी में रहोगे तो स्क्रीन पे देख सकते हो एक ड्रैगन से लेते हुए आता है, मतलब ड्रैगन के साथ वो बंदा आता है और यहाँ पे लॉबी में आ जाता है, ठीक है। और ये जो है ना ये स्काई विंग में, मतलब प्लेन से बाहर आप रहोगे तो यहाँ पे लैंडिंग कर पाओगे, मतलब कि आपको यहाँ पे प्लेन पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक अलग सा लुक देखने को मिलेगा। तो लोग काफी ज्यादा जो एनिमी आपके रहेंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से बाहर में आप इसको कुछ इस तरह से सर्वबोर्ड जैसा यूज कर सकते हो, आपको प्लेन में बैठने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ड्रैगन से यहाँ पे लैंडिंग किया जाएगा, जो काफी ज्यादा प्रो और काफी मतलब अमेजिंग सा लगता है देखने में, ठीक है। इसलिए ये जो इमोट है वो काफी ज्यादा पसंद किए जाने वाला इमोट है और लोग इसको काफी पसंद करते हैं और काफी सारे लोग इसको निकाले भी थे, ठीक है। तो ड्रैगन के साथ ये यहाँ पे काफी खतरनाक लगता है देखने में, इसका लुक यहाँ पे देख सकते हो, इसलिए ये काफी ज्यादा पसंद किए जाने वाला इमोट है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 की, जो सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे, ठीक है। तो नंबर 1 पे जो इमोट आती है वो है फाल्को अराइवल इमोट, यानी कि यहाँ पे एक फाल्को दिया जाता है और उस फाल्को के साथ हम अराइवल करते हैं लॉबी में और प्रोफाइल में। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब यहाँ पे प्रोफाइल खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आता हुआ दिखेगा, जो यहाँ पे एक पंछी है, मतलब जो फाल्को पेट होता है ना उसको यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया और उसी के साथ ये इमोट बनाई गई है और ये भी हमें फेडेड व्हील में देखने को मिला था। और यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा गरुड़ जैसा लग रहा है देखने में, ये फाल्को जैसा भी नहीं है, मतलब बहुत ही बड़ा गरुड़ उसको बोल सकते हो, जो यहाँ पे आग निकल रही है पीछे से जो बहुत ही धुआंधार, और इसका पंख जो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है देखने में, ठीक है। इसलिए ये वाला जो इमोट है ना वो काफी ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गरुड़ पे जो रामायण में देखे थे ना वो कुछ इसी तरह से इंस्पायर होकर यहाँ पे बनाया गया और अराइवल इमोट लाया गया, ठीक है, जो कि फेडेड व्हील में हमें देखने को मिला था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक लगता है देखने में। आप यहाँ पे देख सकते हो ये गरुड़ कितना ज्यादा खतरनाक है और बड़ा है, ठीक है। तो ये जो इमोट है ना ये लोगों के द्वारा जब मैंने पर्सनली पूछी तो बोला कि सबसे ज्यादा जो मस्त हमें लगता है वो यही लगता है अभी तक जितना भी आया, इसलिए मैंने इसको इस नंबर 1 पे लगा। सारे जो 10 इमोट है इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा वो अपना कैटेगरी में नंबर आप नंबरिंग जरूर करके कमेंट में बताएं कि कौन कौन सा इमोट फर्स्ट में या कौन कौन सा नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो ये था गाइस फ्री फायर का टॉप 10 अराइवल इमोट। इन सारे इमोट में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ सेकंड चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर लाइव करता हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।